फ्रेंड्स, दिस इज सोलन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत गर्मी बढ़ गई है, कुछ ठंडा पीने का मन करता नहीं इस गर्मी में। मेरे पास वाटरमेलन पड़ा हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ठंडा मसाला टाइप कुछ बनाया जाए, जैसे वाटरमेलन मसाला कूलर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वो बनाऊँ, क्योंकि मुझे भी बहुत मन कर रहा है कुछ ठंडा पीने का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वाटरमेलन मसाला कूलर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वाटरमेलन। मैंने यहाँ पे वाटरमेलन था उसको अच्छी तरीके से स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है एंड अब मैं ये है जो एक बाउल है उसमें डाल दूँगी। मैंने करीबन एक कटोरा लिया है, साथ में हम यहाँ पे फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखे हैं। तो मैं यहाँ पे 3-4 जो पत्ते हैं या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हमें यहाँ घर पे सबको पुदीने के पत्ते बहुत पसंद है तो हम यहाँ पे पुदीने के पत्ते डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन 15-20 जो लीव्स होती हैं वो लिए हैं, मैं उसे और उसके अंदर डालूंगी। ठीक है, क्रश इस तरीके से डालूंगी। यहाँ पे नींबू है, एक नींबू था, मैंने यहाँ पे नींबू को आधा किया है, आधा जो हाफ नींबू है उसे हम हाफ स्क्वीज कर इस तरीके से। और आधा जो नींबू बचा था उस नींबू को हमने इस तरीके से स्मॉल, ये मैं ऐसे ही डाल दूंगी। अब आलू मैश करते हैं, वो मैशर लेंगे, उसे हम हल्का हल्का इस तरीके से मैश करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे मैश कर रही हूँ, हमें पूरा अच्छे से नहीं करना है मैश, मतलब पूरा इसको ग्राइंड नहीं करना है, हमें सिर्फ हल्का हल्का इसको मैश करना है ताकि इसका जो जूस है वो निकले और थोड़े बहुत जो पीसेस है वो इसी तरीके से रहे। देखिए मैं यहाँ पे इसे धीरे धीरे इस तरीके से मैश करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वाटरमेलन को अच्छे से मैश किया है और देखिए हमारा जूस कितनी अच्छी तरीके से बन चुका है। अब मैं ग्लास लूंगी, इस ग्लास में मैंने जो ये नींबू के जो स्लाइस है उसमें डालेंगे, उसके बाद हम स्पून से हमारा जो हमने वाटरमेलन मैश किया था और जो बचे हुए टुकड़े हैं वो हम इसमें डालेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसमें करीबन ज़्यादा नहीं भरा है, इतना सा मैंने आधे से भी कम है एक्चुअली मैंने भर दिया है। अब ये जो जूस है ये बचा हुआ है इसे हम साइड रखेंगे। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे जीरा, भुना हुआ जीरा लिया है, मैंने यहाँ पे जीरा को रोस्ट कर लिया था, रोस्ट करके मैंने इसका पाउडर बनाया है। तो मैं करीबन 1/2 टीस्पून जितना यहाँ पे जीरा पाउडर डाल रही हूँ, करीबन आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैं यहाँ पे जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो सॉल्ट डाल रही हूँ एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला, वो भी 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स जमाए थे, मैंने जो आइस क्यूब जमाए हैं वो मैंने बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं जमाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने एकदम मैंने करीबन 1 घंटा पहले ही जमाया था, आधे 1 घंटे पहले, तो ये पूरे अच्छी तरीके से सॉलिड नहीं हुए तो ये बहुत इजीली क्रश हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आधा आधा तोड़कर यहाँ पे आइस क्यूब जो है वो डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे आइस क्यूब डाले हैं। अब मैंने ये जो जूस निकाला था हमने यहाँ नीचे जो थे वो बचे हुए जो स्लाइस बचे हुए थे वो डाले थे, अब मैंने जो वाटरमेलन का जूस निकाला है अब मैं वो जूस डाल रही हूँ।
ये देखिए मैंने पूरा वाटरमेलन का जूस निकाला था, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हमारा ग्लास ऑलमोस्ट भर चुका है, थोड़ा सा बाकी है। हमारा जो मेन है जिससे ये थोड़ा सा मसालेदार हो जाएगा, वो अभी इंग्रेडिएंट जो है वो बाकी है। अब मैं क्या करूँगी, इस सबको अच्छे से स्टर करूँगी यहाँ पे सिंपल इस तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरीके से सिंपल इसको मैश कर रही हूँ ताकि ये आइस के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपको ऐसा लगे कि ये कम ठंडा है तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसलिए फिर हम इसमें डालेंगे, पूरा ये देखिए। अब ये देखिए मैंने कोल्ड ड्रिंक डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से रख सकते हैं, और अगर आपको मन है तो आप इसको हल्का हल्का ये कर दीजिए। और हमारा मसाला कोल्ड ड्रिंक बनकर एकदम तैयार है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं। तो हमारा मसाला कोल्ड ड्रिंक एकदम बनकर तैयार है। ये सच में बहुत टेस्टी है, प्लीज आप इसे ट्राई करें।